ले जाए, ये छाने भी नहीं बची है। सुशीला ने भूसा उठाया, सुशीला बोली ये भेजो मैं गोविंद के लिए। लेकिन मेरे को गोविंद के स्वभाव का ध्यान आया, सुशीला गोविंद के स्वभाव से परिचित थी। हम अपने इष्ट और अपने गुरु के स्वभाव से परिचित हों ये मुख्य बात है। भावग्राही जनार्दन, सुशीला कह रही हे गोविंद मेरी औकात क्या है जो मैं आपको कुछ दे सकूं? बस मैं ये अपना भाव भेज रही हूं, इसको आप बहुत समझ करके आरोगना गोविंद। लाई वो चावल को भूसा, उसमें से चावल बीन गई, अब भूसा होगा लगभग इतना इतना, और उसमें से चावल बीनने लगी, छोटे छोटे कंकड़ चावलों में, कंकड़ कुछ लाल कंकड़ कुछ पीले हैं कुछ सफेद हैं, इतना भूसा उसमें से चार मुट्ठी चावल निकला बस। अब मैं इसको बांधे किसमें, भेजे किसमें गोविंद के लिए? कपड़ा खोजने लगी तो बच्चे के गले में जो है एक झाड़न टक रहा था, सुशीला के बच्चे के गले में, उसने वो झाड़न लिया और उसमें चावल बांधना शुरू किए। अब वो कपड़ा इतना पुराना इतना जीर्ण, जो ही उसमें चावल बांध करके गांठ लगाने लगी तो कपड़ा फट गया। सुशीला फिर उसको सिलती, फिर गांठ लगाती, फिर फट जाता, फिर बांधती उसे, फिर गांठ लगाती, फिर फटता, फिर वहां गांठ लगाती, फिर बांधती। अब कपड़ा चावल तो इतने थे लेकिन गांठ लगाते लगाते तू इतना बन गया, ये तो फांस बड़ों को मारा, उसकी गुदड़ी बन गई। क्या बन गई? गुदड़ी। अरे वो गुदड़ी दे दी सुदामा जी को, लो ले जाओ। और एक पत्र दिया सुदामा जी को, सुनो ये पत्र हमारे देवर को देना, तुम खोलना नहीं इसको। सुदामा को दिया वो पत्र, सुदामा ने कहा मुझे पता तो नहीं देवी की गोकुल द्वारिका कहाँ है, लेकिन मैं जाऊंगा क्योंकि तूने मुझे प्रेरित किया है। सुदामा अपने घर से चले, मार्ग में सोच रहे हैं पता नहीं मेरा मित्र मुझे पहचानेगा भी कि नहीं, कितनी पुरानी बात हो गई देखो, पता नहीं मुझे पहचानेगा या नहीं पहचानेगा। सुदामा जा रहे हैं, मार्ग में नदी पड़ गई और नदी में भयंकर पानी है, उफान आ रहा है खूब। सुदामा बोले अब ये नदी पार तो नहीं हो सकती है। और तभी एक केवट आया, केवट आया, केवट बोला अरे भाई कोई जाने वाला है? सुदामा बोले हाँ हाँ मैं जाऊंगा भैया। सुदामा जी को बोले ऐसा पता पूछने वाला तो हमने आज तक नहीं देखा, अनोखा पता पूछ रहा है भाई, और कह रहा है कि कृष्ण मेरे मित्र है, राजा मेरा मित्र है। वैसे राजा किसी का मित्र नहीं होता है, राजा अपने स्वार्थ का मित्र होता है, और ये कह रहा है कि राजा मेरा मित्र है। राजा राजा मित्रम केन दृष्टम सुखम वा, राजा किसी का मित्र नहीं होता है, राजा अपने स्वार्थ का मित्र होता है। ये कह रहा है कि कृष्ण मेरा मित्र है, सोचने लगे और फिर याद में ध्यान आया भगवान के स्वरूप का, भगवान के स्वभाव का, जय विजय का। जय विजय बोले एकमात्र हमारा स्वामी तो ऐसा है जो नंद धनंगों को पहले अपने गले लगाता है, अपने मित्र बनाता है। और मन में ख्याल आया कि एक बार चार नंद धनंग ऐसी वैकुंठ में भी आए थे और हमने उनको रोक दिया भीतर जाने से,
सनत कुमार आए थे ना वैकुंठ में, बोले हमने उनको भगवान के धाम जाने से रोक दिया तो 3 जन्मों का चक्कर हो गया था, हमको राक्षस बन गए थे। और अभी अगर इसको रोक दिया ना तो कहीं 5-7 जन्मों का चक्कर ना हो जाए भैया। तो इसलिए तुरंत सुदामा जी के चरण स्पर्श किए, बोले पंडित जी हमारे प्रभु के दरबार पर साधु ब्राह्मणों के लिए बिना आज्ञा वो प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है। हमने सुना है अभी अभी भगवान अपने कक्ष की ओर गए हैं विश्राम करने के लिए, हमको सूचना मिली है कि भगवान भोजन के बाद अपने कक्ष में जाने वाले हैं। अब यदि भगवान अपने कक्ष में नहीं गए होंगे तो हम तुम्हारा निवेदन कर देंगे। बोले ज्यादा कुछ नहीं कहना, बस इतना ही कहना कि सुदामा आया है बस। बोले ठीक है पंडित जी, आप थोड़ा इंतजार करिए, हम अभी आते हैं। जय और विजय गए और आसन पर गोविंद विराजमान है। एक तरफ रुक्मणी जी जल दे रही है, सत्यभामा तांबूल दे रही है, कालिंदी भगवान को पंखा झल रही है। इसी बीच में जय विजय ने आकर के घोषणा की, बोले द्वारकाधीश भगवान की। हाँ जय, हाँ विजय, बताओ क्या बात है। बोले प्रभु द्वार पर एक ब्राह्मण पधारे हैं, वो बड़ी लंबी यात्रा करके आए हैं और हमसे कह रहे हैं कि उज्जैन में आपके साथ में अध्ययन करा करते थे और उनका नाम है सुदामा। क्या नाम है? सुदामा। जय विजय ने निवेदन किया, शीश पगान जगान पे प्रभु जान को बसो धोती फटीसी लटी दुपटी और पाहु पाहु तीन ही सामा द्वार खड़ो द्विज दुर्बल गीत प्रयो जग सो वसुधा दीने दयाल को नाम वो बतावत आपने नाम सुदामा। प्रभु एक निहायत गरीब ब्राह्मण आया है, कह रहा है कि उज्जैन में आपके साथ अध्ययन किए थे और याद आया उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया। जैसी भगवान सुशीला और अभी जो है बिल्कुल हीरे जवाहरात से लदी हुई एकदम सुंदर वस्त्र धारण किए हुए और थोड़ी मोटी भी हुई सुशीला साल भर में, सुदामा पहचान नहीं पा रहे, बोले ये मेरी वाली तो नहीं है। और सुदामा जाने लगे, जो हुआ चलो, जो लुट गया सो लुट गया, जंगल चलो भजन करेंगे। और जो ही जाने लगे तो सुशीला दौड़ करके आई, चरणों में गिर पड़ी, स्वामी कहाँ जा रहा, अरे कौन हो? अरे सुशीला, सुशीला तुम तो मोटाई गई है, हमको देखो किसे कौन लाया, किसने दिया? बोले देखो तो सही कौन लाया है। पर जो ही सुदामा भीतर गए तो क्या देखते हैं, मोरपंख लगाए हुए, पगड़ी बांधे हुए, बगलबंदी पहने हुए सांवरिया सेठ बैठे हुए। Yeah.
एक बार मैं कहूँ राधे राधे।